Everyone, welcome to TS in the school. Myself Swati Mahawar. Today we start economics of class 9th. We start with chapter number 2, people as resource. Come to page number 24. Page number 23 tak hum last previous video ke andar padh chuke the. 4 videos is chapter ke complete ho chuke hain. This is the 5th video of this chapter. Now come to page number 24. There are many places in India which do not have even these basic facilities. There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. Last जो fourth video था इस chapter का, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? Health के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर एक बच्चे की health अच्छी होती है तो वो अच्छा अपना education लेकर के अच्छे से अपनी job कर सकता है, अच्छी job उसको मिल सकती है और अच्छा money वो earn कर सकता है. तो इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह, बहुत सारे स्टेट्स आज भी ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है. 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 301 डेंटल कॉलेजेस हैं. जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस. 4 स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं. सबसे ज़्यादा कॉलेजेस इन 4 स्टेट्स के अंदर ही हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब किसी कोई पर्सन काम करना चाहता है, वो काम करने के एबल है, लेकिन उसको अगर काम नहीं मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉयड कहलाएगा. साकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड. सकल की स्टोरी हमने पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो के अंदर. सकल की जो मदर है शीला, वो घर के ही काम करती थी, लेकिन उनके जो फादर थे बूटा, वो फील्ड के अंदर जाकर के यानी कि एग्रीकल्चर का काम वो करते थे. सकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग. सकल के जो ब्रदर थे जीतू और सिस्टर थी सीतू, वो खेलने के अंदर ही अपना टाइम ख़राब कर देते थे. पूरे दिन वो खेलते ही रहते थे. कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड इफ़ नॉट वाई? क्या आप यहाँ पे शीला को अनएम्प्लॉयड कहोगे? जीतू और सीतू जो उसके भाई और बहन है, जो पूरे दिन खेलते रहते थे, कोई काम नहीं करते थे, तो क्या आप उनको अनएम्प्लॉयड कहोगे? इफ़ नॉट वाई, अगर नहीं तो क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेज रेट कैन नॉट फाइंड जॉब. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन काम करने के लायक होता है, काम करने की उसकी इच्छा होती है, वो काम करना चाहता है और जो पैसे उसको मिल रहे होते हैं, जो वेज रेट उसको मिल रहा होता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, वो उस वेज रेट के ऊपर काम करने को तैयार होता है, तो वो जो सिचुएशन होगी वो सिचुएशन किसकी कहलाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट की कहलाएगी. शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन. शीला जो थी वो ऐसी लेडी थी कि वो घर के बाहर जाकर के काम करना नहीं चाहती थी. वो नहीं चाहती थी कि वो मनी अर्न करे, वो सिर्फ घर के काम करना ही चाहती थी. जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्कफोर्स पॉपुलेशन. जीतू और सीतू इतने छोटे थे कि वो कोई भी काम नहीं कर सकते थे, घर के बाहर जाके कोई काम करके वो पैसे नहीं कमा सकते थे. नाइदर जीतू सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड. ना तो जीतू, ना सीता, ना शीतू, इन किसी को भी अनएम्प्लॉयड हम नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, काम करने के लायक यानी काम करने की एज के अंदर ये लोग नहीं हैं. द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 years to 59 years. अब जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन है वो कितना है? 15 years से लेकर के 59 years तक का है. सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप सो दे कैन नॉट बी अनएम्प्लॉयड. एक कंडीशन क्या हो गई कि वर्किंग एज ग्रुप होता है वो कितना होता है? 15 years to 59 years. कि इस एज ग्रुप का जो पर्सन होगा, जो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो फिर वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा. लेकिन सकल के ब्रदर की और सिस्टर की एज इतनी कम थी कि वो इस एज ग्रुप के अंदर आते ही नहीं है, यानी कि वो चाइल्ड एज के अंदर थे, वो वर्किंग एज ग्रुप के अंदर नहीं थे. सकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली. सकल की जो मदर थी शीला, वो घर के लिए काम करती थी. शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट. वो पेमेंट के लिए, पैसे के लिए बाहर जाके काम करना नहीं चाहती थी. शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. तो हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं. सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स. अब सकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो मेंशन नहीं है स्टोरी के अंदर, वो भी क्या कहलाएंगे? अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे. अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स होते तो वो भी क्या होते? अनएम्प्लॉयड होते. वो भी अनएम्प्लॉयड की काउंटिंग के अंदर नहीं आते. क्यों नहीं आते? क्योंकि वो 59 ईयर्स के अबव होंगे और 59 ईयर्स के अबव होने के बाद में वो एज ग्रुप, वर्किंग एज ग्रुप के अंदर नहीं आते हैं.
इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया। ठीक है, अब इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है रूरल एरिया का अलग निकाला जाता है, अर्बन एरिया का अलग निकाला जाता है। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया। अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों एरियाज़ के अंदर नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। कहीं पर किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो कहीं पर किसी टाइप का होता है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज़ देयर इज सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर रूरल एरिया की हम बात करते हैं, अगर गाँव की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो कौन सा होता है, एक तो होगा सीजनल और दूसरा होगा डिसगाइज्ड। सीजनल यानी कि जैसे सीज़न निकला, सीज़न निकलने के बाद में लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि उनका सीज़न नहीं रहेगा तो काम नहीं रहेगा, काम नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि दिखने में तो सीम्स तो वो वर्किंग लगेगा, दिखने में तो वो काम करता हुआ लगेगा, लेकिन रियल टर्म्स के अंदर वो किसी भी तरह का मनी फॉर्म नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का पैसा वो अर्न नहीं कर रहा है। अर्बन एरियाज़ हैव मोस्टली एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और अर्बन एरिया के अंदर किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पढ़ी लिखी बेरोजगारी, यानी कि लोग पढ़ने के बाद भी उनकी जॉब नहीं लग पाती है, तो उस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट किस में आ जाएगा, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स वैन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि लोगों को कुछ साल के कुछ महीने के अंदर जब जॉब नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो लोग एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे कि सीजन जो होते हैं एग्रीकल्चर के वो भी अलग अलग होते हैं, खारिफ सीज़न अलग होता है, राबी सीज़न अलग होता है। ठीक है, तो जब खारिफ सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उसकी डिमांड ख़त्म हो जाती है, तो उस टाइम पे वो जो प्रोडक्शन करने वाला जो फार्मर होगा, जो खारिफ क्रॉप ही उगाता है, वो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स वेयर सोइंग हार्वेस्टिंग वीडिंग थ्रेशिंग इज़ डन। कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जिसमें बीज बोना, फसल काटना, ये सारे काम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, लास्ट जब फिनिश हो जाता है, फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद में लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कुछ मंथ ऐसे होते हैं कि लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, क्योंकि एग्रीकल्चर का कोई काम रहता ही नहीं है। इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। मैंने अभी आपको बताया था कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड क्या, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, छिपी हुई बेरोजगारी, कि लोग दिखने में तो काम करते हुए दिखेंगे लेकिन एक्चुअल टर्म्स के अंदर वो लोग एम्प्लॉयड नहीं रहते हैं। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8 पीपल। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा। दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। इफ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल डिड नॉट डिक्लाइन। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसके अंदर घर के 8 मेंबर्स हैं, आठों के आठों वहाँ पर जाके काम करने लग गए, वो 8 पर्सन्स वहाँ पर काम करने लग गए, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में वहाँ काम कितने लोगों का है, 5 पीपल का काम है। तो 5 की जगह जब 8 लोग वहाँ जाके काम करेंगे तो 3 लोग तो वहाँ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, दिखने में तो हमको वो काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन रियल टर्म्स के अंदर उनका किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी नहीं आ रहा है। जितना वो 5 लोग बनाएंगे उतना ही वो 8 लोग बनाएंगे, कोई एक्स्ट्रा वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे 3 लोगों की वजह से। तो यही 3 लोग अगर किसी दूसरी जगह पे जाके काम करेंगे तो एक्स्ट्रा अर्निंग उनकी होगी, एक्स्ट्रा मनी वो अर्न करेंगे। आया आप लोगों के समझ में कि दिखने में तो 8 पर्सन्स काम कर रहे हैं लेकिन रियल टर्म्स में वहाँ काम सिर्फ कितने जनों का है, 5 पीपल का है, 3 पीपल वहाँ पर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जिनका एक्स्ट्रा कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमेना। ठीक है, अर्बन एरियाज़ के अंदर जो मेन जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, लोग पढ़ने के बाद भी उनका जॉब नहीं लग पाता है। मैनी यूथ विथ मैट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैट्रिकुलेशन 12, 10th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी उनकी जॉब नहीं लग पाती है। A study showed that unemployment of graduate and post graduates has increased faster than among matriculates.
एक स्टडी ऐसी आई है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द ट्वेल्थ, यानी ट्वेल्थीज इतने अनएम्प्लॉयड नहीं है जितने ज़्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग अनएम्प्लॉयड हैं। नाउ सो सी द कंडीशन ऑफ इंडिया, क्या कंडीशन है इंडिया का यहाँ पर कि इतना पढ़ने के बाद भी लोगों का जॉब नहीं लग पाता है। सी द कॉम्पिटिशन हेयर, कितना कॉम्पिटिशन है। अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड वाइल देयर इज डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पर मैन पावर इतना है लेकिन उसका यूज़ नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वो मैन पावर क्या हो जाता है, वेस्ट चला जाता है इंडिया का। इंडिया में सबसे ज़्यादा मैन पावर है क्योंकि वर्किंग एज के जो पर्सन्स हैं वो इंडिया के अंदर ज़्यादा है, लेकिन उनका इतना यूज़ नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर इतना काम नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो मैन पावर है वो वेस्ट चली जाती है। तो यहाँ पर टेक्निकली क्वालिफाइड जो पर्सन्स हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है क्योंकि इंडिया के अंदर इतना टेक्निकल स्किल्स काम में नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ इतने ज़्यादातर किस में होता है, एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर होता है, टेक्निकल सेक्टर के अंदर नहीं होता है। तो टेक्निकल क्वालिफाइड जो पर्सन है वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लेड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी। जो लोग आज असेट थे हमारी प्रॉपर्टी, हमारे इंडिया का जो प्रॉपर्टी कहलाते थे, असेट कहलाते थे, वो आज क्या बन के रह गए हैं, लायबिलिटी बन के रह गए हैं, यानी इंडिया के लिए सिर्फ एक कर्जा बन के रह गए हैं। ये लोग किसी तरह का कोई भी मनी जनरेट नहीं करते हैं। असेट जो होता था वो क्या करता था, मनी जनरेट करता था, लायबिलिटी के अंदर पैसा जमा हो जाता था, सेव हो जाता था, लेकिन वो आगे बढ़ता नहीं था। तो वही कंडीशन इंडिया के यूथ की हो चुकी है इस टाइम पर। देयर इज़ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ, और इसकी वजह से लोग क्या हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, उनको अपने आप से ही उम्मीदें खत्म हो जाती है उनकी। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, इनएबिलिटी ऑफ एडुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेलफुल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। और जिन लोगों के पास ज़्यादा मनी होता है वो अपनी फैमिली को, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। एडुकेटेड पीपल जो काम करने के लायक हैं उनको भी जितना वो काम कर सकते हैं, जितनी उनकी एबिलिटी है, जितनी उनकी एडुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा नहीं मिल पाता है। अगर कोई जॉब मिलती भी है तो बहुत कम मनी उनको मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता जा रहा है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, और लोगों का जो डिपेंडेंस है अनएम्प्लॉयड लोगों का वो धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि डिपेंडेंस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर। डिपेंडेंस का मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, जो खुद मनी अर्न नहीं करते, कोई खुद कोई काम नहीं करते बल्कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उनका जो पावर रेशो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड, जिससे लोगों की लाइफ, उनकी लाइफ की क्वालिटी और सोसाइटी सभी चीज़ें इफेक्ट होती है। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. जब फैमिली अपने रेजिस्टेंस, अपने सब्सिस्टेंस लेवल तक भी अगर क्लियर नहीं कर पाती है, यानी कि जितना उसको ज़रूरत है वो अगर उतनी ही पूर्ति नहीं कर पाती है फैमिली, तो उनका हेल्थ स्टेटस भी डाउन होगा। ना तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी, ना ही वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। जब उनके घर में खाने को ही नहीं होगा तो वो क्या बच्चों को स्कूल भेजेंगे और क्या अपनी हेल्थ बनाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर हेल्थ और एडुकेशन उन फैमिलीज़ का क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इकोनॉमी के ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाती है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है तो इकोनॉमी किस में चली जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी, डिप्रेशन में चली जाएगी। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्स विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स, दे नेचुरल अपीयर एज अ लायबिलिटी टू द इकोनॉमी। और जो इंडिया का गेनफुल रिसोर्स है वो किस में चला जाएगा, वेस्ट में चला जाएगा, किसी तरह का कोई मनी जनरेट नहीं कर पाएगा वो, और असेट क्या बन के रह जाएंगे, लायबिलिटी बन के रह जाएंगे।
In case of India, statistically, the unemployment rate is low. A large number of people represented with low income and productivity are counted as unemployed. ठीक है, इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ पीपल जो अनएम्प्लॉयड है वो भी ज़्यादा है. दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम. पूरे साल वो काम करते हैं लेकिन उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको पैसा नहीं मिल पाता है. द वर्क दैट दे आर परसुइंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम. जो काम वो करते हैं वो सिर्फ उनके ऊपर थोपा जाता है. दे मे देयरफॉर वॉन्ट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस. उनको अपनी मर्जी का काम नहीं मिल पाता है. Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity in respective of its earning potential. Their earning keeps them on a bare subsistence level. जो लोग गरीब हैं वो तो घर में बैठ ही नहीं सकते हैं. उनको पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली का, खुद का पेट भरने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है. Moreover, the employment structure is categorized by self-employment in the primary sector. The whole family contribute in the field even though in not everybody is really needed. इसी वजह से घर के सारे लोग एग्रीकल्चर के अंदर लग जाते हैं, उनका भले वहाँ ज़रूरत हो चाहे ना हो. सो देयर इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. इसलिए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में. बट द इंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज प्रोड्यूस दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस डेज ड्यूटीज रिड्यूसेस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर. जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हो जाता है एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है वहाँ पर? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है. बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली. ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब. इससे उनकी फैमिली की इनकम तो नहीं बढ़ेगी. मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर वही तीन लोग बाहर जाके काम करने लग जाएंगे तो फिर वो अच्छा एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द थ्री सेक्टर मैंशन अर्लियर. एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. सबसे ज़्यादा लेबर किसमें लगती है? एग्रीकल्चर में. इन रीसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर. और ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है तो ज़्यादातर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर में. सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव्ड टू आइदर द सेकेंडरी एंड द टर्जरी सेक्टर. अब लोग यहाँ से निकल के कहाँ जाने लग गए? सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर के अंदर, ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा सके. इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग. सेकेंडरी सेक्टर के अंदर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वहाँ पर लेबर एब्जॉर्बिंग ज़्यादा होती है. छोटे छोटे लेवल पर जो प्रोडक्शन किए जाते हैं वहाँ पर लेबर ज़्यादा लगती है क्योंकि वहाँ मशीन का काम नहीं होता है. इन केस ऑफ टर्जरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. और धीरे धीरे आईटी सेक्टर भी बढ़ता जा रहा है. टर्जरी सेक्टर के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी सर्विसेज बढ़ते जा रहे हैं. नाउ यू हैव टू रीड द स्टोरी ऑफ अ विलेज. ये स्टोरी आप खुद पढ़ेंगे एंड इसका कंक्लूजन निकालेंगे आप इस स्टोरी का. यू हैव टू रीड दिस स्टोरी विथ योर ओन. ओके, दिस चैप्टर वॉज कम्प्लीटेड. ये आपका लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ.